लोकसभा चुनाव 2024 के बाद माना जा रहा था कि शायद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतिम कार्यकाल होगा। इसके बाद वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहेंगे, लेकिन अब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2029 लोकसभा चुनाव के लिए भविष्यवाणी की है। एनडीए की ताकत पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा, विपक्ष अपनी तैयारी कर ले, 2029 के लोकसभा चुनावों के बाद भी उन्हें विपक्ष में ही बैठना है। चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान शाह ने कहा कि एनडीए अलायंस न केवल अपना कार्यकाल पूरा करेगा बल्कि 2029 में सरकार भी बनाएगा। गृहमंत्री ने कहा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि विपक्ष को जो करना है करने दीजिए, 2029 में एनडीए आएगा, मोदी जी ही आएंगे। सुनिए जरा। कोई एक व्यक्ति, कोई एक संगठन, कोई एक दलों का समूह पूर्ण बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बन रहा है। एक प्रकार से देश की जनता ने मोदी जी के कामों पर थप्पा लगाने का काम किया है, और मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, ये विपक्ष को जो चेंचे करनी है करने दीजिए, आप चिंता मत करिए, 29 में भी एनडीए ही आएगा, मोदी जी। उनको लगता है कि कुछ सफलता मिलने से हम चुनाव जीत गए, उनको ये मालूम नहीं है कि तीन चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली उससे ज्यादा सीटें बीजेपी इस चुनाव में जीती, ये इनको मालूम नहीं है। और उनके पूरे गठबंधन की टोटल जितनी सीटें हैं, अकेली एनडीए के एक ही दल बीजेपी की इनसे ज्यादा सीटें हैं। मैं ये लोग जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, वो बार बार कहते हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं है, मैं उनको एक विश्वास दिलाने आया हूं, उनको, विपक्ष के मित्रों को, जनता को तो भरोसा है ही, न केवल सरकार 5 साल पूरा करेगी, अगली टंबी इसी सरकार की है, विपक्ष में बैठने की तैयारी रखना और ढंग से ऑपोजिशन में काम करने की पद्धति सीख लेना।